ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के हल्के जाके काफ़ी समय तो नगुणियां तनखावां ते काम करदे आ रहे हैं। नवीं सरकार बनाई सी भी साढ़े विभाग के वर्करां नूं रैगूलर किया जाएगा। असीं अपनी मंगां नूं लैके काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं। आने वाले संघर्ष है उन्हां प्रति लावां दा कच्चे मुलाजमान नूं पक्का किया जाए। महकमे दे विच सरकारी बसां पाईआं जाण। हाँ जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह जी। अज दी जो साडी गेट रैली साढ़े जो 27, 28, 29 दे उस हड़ताल का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम स्टैंड करते तहत रखी गई सी कि असी आपदे जो संघर्षा प्रति लामबंद आने वाली 20 तरीक नूं असी पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के हल्के जाके उन्हां दे घर दे मूहरे धरना ला के असी उन्हां नूं उन्हां तों सवाल करांगे कि असी इस डिपार्टमेंट दे विच पिछले काफ़ी समय तो नगुणियां तनखावां ते काम करदे आ रहे हैं, पर किते ना किते असी पंजाब दे विच नवीं सरकार बनाई सी भी साढ़े जो मसले हल होणगे साढ़े विभाग के वर्करां नूं रैगूलर किया जाएगा, पर इहो जिहा कुछ नहीं हो रहा। नवीं सरकार सिर्फ गल्लां वाली बन के रह चुकी है ते नवें ट्रांसपोर्ट मंत्री भी बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लै रहे, चाहे वह प्राइवेट माफिया का होवे, चाहे वह प्राइवेट बसों के टाइम टेबल ही होवे, चाहे वह वर्करां नूं रैगूलर करन ली होवे। किसी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों एक्शन नहीं लिया गया, जिस दे रोज़ वजों असीं आने वाली 27, 28, 29 नूं 3 रोज़ा हड़ताल करके पंजाब सरकार का जो चेहरा बेनकाब करांगे कि इन्होंने लोगों को वड्डे वड्डे सुपने विखा के पंजाब के नौजवानों नूं पक्के रुजगार का वादा करके फिर साढ़े डिपार्टमेंट के आउटसोर्स से भर्ती होवे, चाहे वह किलोमीटर स्कीम बसा हो लिया के साढ़े विभाग का फिर तो निजीकरण करने वाल वध रही है सरकार। तो पिछले दिन ही ट्रांसपोर्ट मंत्री जी का बयान आया भी पंजाब के लोगों नवीं 219 बसा दित्तियां जाणगियां जिहड़ियां कि कोई आम लोगों दी नहीं कि वड्डे वड्डे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर दी बसा होणगियां, तो वह बसा साढ़े डिपार्टमेंट नूं घुण वांग लगियां हुई ने। पिछे भी बहुत ज़्यादा चूना 1.25 लाख रुपया 1 महीने का वो लैके जांदियां ने। इन्हां चीज़ों के विरोध वजों जथेबंदी ने फिर तो आपदे प्रोग्राम स्टैंड किए ने कि सरकार कितना ना कितने साडे नाल मीटिंगां तो भजदी आ रही है, साढ़े जो मसले ने वो हल नहीं किए जा रहे। पंजाब के जिन्हें भी कंट्रैक्टर वाले मुलाजम ने उन्हां नूं रैगूलर करना बनता है, पर सरकार कहते ना कहते इन गलों के भाई जी नज़र आ रही है, जिस दे रोस वजों असी ये प्रोग्राम रखे ने। देखो, लोगों ने जदों पंजाब दे विच बदलाव के रूप में सरकार लियांदी सी तो लोगों ने एक किसी भगवंत मान नूं वोटां नहीं पाईआं सी, लोगों ने एक बदलाव के रूप के नवीं सरकार की चोण की सी कि जिवें अकाली कांग्रेस वाले सानू वारी सिर 5-5 साल करके लुट रहे हैं, तो उन्होंने खड़ा छडाउण लई पंजाब दे लोगों ने एक फतवा, बहुत वड्डा फतवा जो 92 सीटां दे के पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई सी। पर हुण पंजाब दे लोगों इस चीज़ तो सुचेत हो जाना चाहिए भी इत्थे कोई भी आके पंजाब दे लोगों नूं झूठ बोल के उन्होंने गुमराह करके सरकार बनाउण दे विच कामयाब हुंदा है। जिवें कि पिछली सरकार कैप्टन सरकार ने गुटका साहब की सहुं चक के लोगों नूं मूर्ख बनाया, उस तरह पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वख-वख स्टेजां तों वख-वख जगह तों ऐलान किया भी तुसीं आने वाले समय च पंजाब दे विच आम आदमी की सरकार बनाओ, कोई भी धरना नहीं लगन दिता जाएगा, कोई भी मुलाजम कच्चा नहीं रहेगा, पहल के आधार से वर्करां नूं रैगूलर किया जाएगा। पर हुण फिर कितें ना कितें उमा देवी दी जजमेंट नूं विच लिया के वर्करां नूं रैगूलर करन तों रोकिया जा रहा है, तो पंजाब दे लोगों का फिर एक बार तो शोषण किया जा रहा है, उन्होंने ठेके से भर्ती करके, जिस चीज़ का आम लोग भी विरोध करते हैं तो जथेबंदी भी इसका डट के विरोध कर दी। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। अज की जो साड़ी गेट के उप रैली की गई है, असी अपनी मंगा लैके काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं। ये भी साढ़े संघर्ष का एक हिस्सा सी जिस दे प्रति असी वर्करा अपन मंगा प्रति भी जाणू कराया, तो सरकार ते मैनेजमेंट नूं भी इस चीज़ की दस्या भी असी आपदे जिहड़े आने वाले संघर्ष है उन्हां प्रति लावां दा, ते असी 20 तरीक नूं मुख्यमंत्री दा घराओ जिहड़ा करन जा रहे हैं उहदे प्रति असी साडे वर्कर भी पूरे तैयार है ते असी भी पूरे तैयार। मंगा जी साडियां काफ़ी लंबे समय तो लटकदियां आ रहियां, जिवें कच्चे मुलाजमान नूं पक्का किया जाए, महकमे दे विच सरकारी बसां पाईआं जाण, साडियां जो साथियों नूं नजायज़ कंडीशनां ला के कढ़िया गया उन्हां नूं ड्यूटी ते लैता जाए, जो नजायज़ साडे नाल धक्का हो रहा कि रिपोर्ट करके साथी नूं ड्यूटी तो फारग कीते जां ब्लैकलिस्ट इन्हां ने बनाई उहनूं रद्द किया जाए। बार बार
अगली साड़ी रणनीति यह है जी, 20 तरीक असी ट्रांसपोर्ट मंत्री का घराओ कर जा रहे हैं। उस तो बाद 27-28-29 तरीक की हड़ताल है, जो असी पूरे पंजाब भर के हड़ताल करा, पूरा चक्का जाम करा। जे ट्रांसपोर्ट मंत्री जे असी होने वाले मौजूदा की तो पिछले की गल करिए काफ़ी दिन रात का फर्क है, क्योंकि जो पिछला राजा बड़ेंग जी ट्रांसपोर्ट मंत्री से तो सानू लगता सी साडा एक मंत्री आया भी साडा सुधार होगा, एक चंगा मंत्री साडे अदारे दे विच लाया गया, पर उन्होंने काफ़ी जो नजायज़ परमिट से उन्होंने रद्द कर दिता सी, जो जाली परमिट से उन्होंने रद्द कर दिता सी। पर मंत्री जी लालजीत भुल्लर जो लाए ने, इन्होंने साडी कोई मंग नहीं सुनी, असी काफ़ी बार इन्हों मिल भी चुके हैं, अपनी मंगा प्रति जाणू भी करवा चुके हैं, ना ही कोई होर कोई साडे वास्ते इन्हां नूं कोई हल किया भी, ना ही कोई तनखाह दे विच वाधा किया, ना साडी कोई ब्लैकलिस्ट, जो कि एक छोटे लैवल का मसला है भी जेकर किसी साथी नूं कंडीशन ला के नजायज़ कढ़िया जा रहा है उन्हूं एक मौका दिता जाए, जां जो जिहड़ा साथी अपनी सज़ा पूरी कर चुका है जां अपनी जुर्माना पूरा भर चुका है उन्हूं दुबारे ड्यूटी ते लैता जाए, पर उन्हूं जो ये महकमे का काम है जां ट्रांसपोर्ट मंत्री का काम है उन्होंने भी महकमे ये लागू नहीं किया।